दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया एक वीडियो लेके आया हुआ है, क्योंकि जो हमारा जो खैंची होता है वो बहुत ही आसानी तरीके से हमें अपने आप किस तरह शार्प कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो खैंची आपको दिखता है, ये इसका जो शार्पनेस एकदम निकल गया हुआ है, क्योंकि ये कपड़ा अभी काटता नहीं है। ये देखिए, आपको देखने से पता लगेगा ये थोड़ा सा काटता है, लेकिन उसके आगे वो चलता नहीं है, क्योंकि हमें अभी उसका ये शार्पनेस निकल गया हुआ है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये हम बहुत ही आसानी तरीके से इसका जो गया हुआ शार्पनेस हम वापस कैसे ले आता है, देख लीजिए आप लोग। इसके लिए देखिए, मैंने ये पेपर लिया हुआ है, सैंड पेपर है, ये P120 नंबर है इसका। ये वाटरप्रूफ पेपर है, इसको सिर्फ 20 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। ये 20 रुपये का एक पेपर में लेके मैं उसका देख चार हिस्सा किया, उसमें का एक हिस्सा है ये, उसको मैं देखिए इसी तरह एक स्केल पट्टी लिया हुआ है, ये स्टील वाला स्केल पट्टी है, उसके ऊपर इसी तरह फोल्ड कर देता है, ठीक है। इसी तरह हम इसको फोल्ड कर देता है। फोल्ड करने के बाद में मैंने आपको बताया बहुत ही आसान काम है, अभी जो काम करता है आप लोग जरूर देख लीजिए। ये देखिए जो काम मैं ये करता है, अपना ही मशीन के उप साइड में रख के ये काम करता है। कैंची इसी तरह खोल के पकड़ लेने का आप लोग, फिर नीचे इसी तरह इसको दबा कर रख देने का मशीन में, क्योंकि ये हिलना नहीं चाहिए हम इसको धार करने के टाइम पे। अब देखिए, ये जो नॉर्मल वाटर है हमारा, पानी है, पीने का पानी है ये, इसमें ये स्केल इसी तरह ये पेपर के साथ इसी तरह डुबा के हम इसके ऊपर घिस लेता है, और कोई काम नहीं करता है, हम इसको सिर्फ घिस लेते हैं। जैसा हम जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो कैंची शार्प करने वाला जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, उसका जो काम हम हमारा हाथ से करता है। इसमें फायदा हमें बहुत यह है, जो ग्राइंडिंग मिल में हम ये शार्प करता है तो ये बहुत ज्यादा खट जाता है, और ये गर्म भी हो जाता है। गर्म होने की वजह से हमारा कैंची का धार जो होता है वो जल्दी जल्दी निकल जाता है। ये हम ये पेपर इसी तरह पानी में डुबा के हम करते हैं तो ये कभी गर्म नहीं होएगा, वो हमारा बहुत फायदा है। हमारा कैंची का लाइफ भी बहुत आगे चले जाता है, बहुत लाइफ मिल जाता है हमारा कैंची को, और इसका जो शार्पनेस भी एकदम बढ़िया रहता है। ये देखिए, एक साइड हमने किया, उसी तरह इसका ये भी साइड कर देने का, सिर्फ हमें ये दो साइड ही इसी तरह घिस लेने का है, और कोई काम उसमें करने का जरूरत नहीं। थोड़ा दबा के करना चाहिए, लेकिन ज्यादा दबाने का भी कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने ये हाथ से करता है उसी तरह ही आप करता है, थोड़ा ही प्रेशर उसमें दे देने का, ज्यादा प्रेशर देने का कोई जरूरत नहीं। मैंने मेरा कैंची आज तक बाहर देके शार्प नहीं किया, मैं हरदम यही काम कर लेता है। आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिए, 100% सक्सेस हो जाएगा। ये 2 या 4 मिनट के अंदर अंदर हमारा कैंची एकदम शार्प बन जाता है। ये देखिए, हमारा काम तो खत्म हो गया हुआ है। अभी मैं अभी आपको वही कपड़ा काट के दिखाता हूँ आपको। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। ये देखिए कितना आसानी तरीके से हमारा शार्प करने वाला काम हो गया। इतना छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा हूँ ये कैंची से, तभी आपको मालूम पड़ेगा ये कितना अच्छा शार्पनेस होना चाहिए इसी तरह काटने के लिए। बहुत ही आसानी तरीका है करके मैंने आपको बताया था। आप लोग जरूर ये काम ट्राई कर लीजिए, आपका टाइम भी बहुत बच जाता है इसके वजह से। और मैं आपको बताया, ये 20 रुपये का एक पेपर में आपको 16 टाइम आपको ये शार्प कर सकते हैं। अभी हमने जो पेपर निकाला था, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए ये जो पेपर हमने लिया है, देखिए इसका एक ही साइड हमने यूज़ किया हुआ है, उसमें और 3 साइड अभी भी बाकी रह गया हुआ है, हमें दोबारा वो 3 साइड यूज कर सकते हैं।
ये मैंने आपको बताया था, ये वाटरप्रूफ पेपर है। इसमें एक बात जरूर आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये पानी में डुबा के ही इसी तरह शार्प करना है। ये देखिए, ये 4 मे का एक हिस्सा है, एक पेपर का 4 मे का एक हिस्सा है। हमें 16 पीस मिल जाएगा इसी तरह काट के निकालेगा तो, हमें समझो आपको 20 रुपये में 16 बार आपको ये शार्प कर सकते हैं। उसमें आप लोग जरूर एक बात ध्यान रख लीजिए, इसमें हमें सिर्फ ये जो शाइनिंग वाला एज जो होता है वही साइड घिस लेना है, दूसरा ये वाला साइड में कभी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये साइड में आप कुछ भी किया तो फिर हम आपको ये शार्प नहीं होएगा, ठीक है। आप अभी आपका कैंची का धार कभी निकल गया तो जरूर ये वाला काम ट्राई करके देख लीजिए, आपका काम बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा, वो भी 3-4 मिनट में आपको हो जाएगा। आपको शायद पहले पहले आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन आपका सक्सेस मैं गारंटी दे देता हूँ। अभी अगले एक अच्छे वीडियो के साथ मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।